आपको एक काफी इम्पोर्टेंट चीज दिखाने वाली हूँ। मतलब कि लोग सोचते हैं ना कि जर्मन शेफर्ड कितने ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, बच्चों के साथ नहीं रखना चाहिए। मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कुछ मतलब बताया था कि मिथ्स क्या हैं और क्या बिल्कुल एकदम करेक्ट है। तो यस, आज एक एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो कि हमारी जो शाशा है जर्मन शेफर्ड वो कैसे बच्चों का ध्यान रखती है। मतलब अगर मैं मतलब कि आज मैं जो दिखाने वाली हूँ वो ये है कि मैं ना प्रिटेंड करूंगी कि मैं वानू को मार रही हूँ और मैं बोलूंगी कि मैं मारूं वानू को, तो देखना इसका क्या रिएक्शन होता है। और जैसे लोग कहते हैं ना कि मतलब कि जर्मन शेफर्ड बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ब्रीड है, बच्चों को जहाँ बच्चे हैं उनको नहीं पालना चाहिए, या मतलब जो भी लोगों के मिथ हैं वो आज आई थिंक ठीक हो जाएंगे कि ये करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो यस, मेरे केस में मैं आपको यही बता सकती हूँ कि साशा बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, अग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है, बाहर वालों के लिए है, बच्चों का बहुत ध्यान रखती है, टीटू को मारते हैं तो वो बचाती है। तो ऐसे ही आज मैं वामू के साथ करने वाली हूँ। डोंट वरी, वामू इज इन सेफ हैंड्स, तो वामू को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट मैं आपको ये दिखाऊंगी कि क्या रिएक्शन होता है साशा का। तो मतलब इग्नोर करना अगर आपको साशा का फेस ना दिखे तो, क्योंकि कैमरा ऐसे एंगल में है कि साशा नहीं दिख पाएगी ढंग से, देख रही है। और आजकल पता नहीं बच्चों का क्या है, इतने से बच्चा कोकोमेलन देख रहा है, 4 महीने की है सिर्फ वानू, और कोकोमेलन इतने प्यार से देखती है, मतलब हद। हाय वानू, हाय बेबी, साशा मारू मारू
तो जर्मन शेफर्ड बहुत अच्छी ब्रीड है यार, मतलब मैं खुद इतना डरती थी जब से, मतलब 16 मंथ्स की हो गई है ये, और मैं इतना डरती थी मतलब डॉग से ही डरती थी। फिर जब विनायक ने बोला कि हम जर्मन शेफर्ड ले रहे हैं, तो मैं तब भी मतलब ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मैं यही सोची थी कि यार गोल्डन रिट्रीवर ले लो क्यूट होता है, लैब्राडोर ले लो क्यूट होता है। लेकिन फिर विनायक ने बोला कि ना यार हमें ना गार्ड करने के लिए चाहिए, जो कि हमारी मतलब ऑब्वियसली बाहर कार भी होती है, बाइक्स भी होती हैं, सब गार्ड करे, या कभी कभार घर में मैं अकेली भी होती हूँ, मम्मा भी होती हैं, तो मतलब गार्ड करे, इसलिए मतलब ये हमारा मेन पर्पस था जर्मन शेफर्ड लेने का। लेकिन मतलब जब से हमने इसको पाला है और हम मतलब आज 16 मंथ हो चुके हैं इसको आए हुए इस घर में, और ना मतलब एक तो ना कुत्तों को ना ये होता है, डॉग्स को हमेशा से यही है कि अगर उनके साथ जैसा आप बिहेव करोगे वो आपके साथ वैसा का वैसा ही बिहेव करेंगे। मतलब कि ऑब्वियसली यार आपको ये चीज़ तो समझ नहीं पड़ेगी, ये इंसान के साथ भी है, डॉग्स के साथ ही नहीं है, इंसान के साथ भी यही चीज़ है कि आप उनको प्यार दोगे तो प्यार ही देंगे आपको रिटर्न में। तो यस, ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है आपके घर के लिए, और अब थोड़े टाइम में ही मतलब कि इसका वेटिंग पीरियड भी आने वाला है, तो वी विल सी कि क्या प्रोसेस रहेगा और क्या नहीं। और अभी थोड़े दिन बाद ऑलमोस्ट नवंबर में इसको रेबीज का सेकेंड इंजेक्शन लगेगा, तो क्योंकि ये ऑलमोस्ट 16 मंथ की हो चुकी है, तो नवंबर में इसको देखते हैं हम लोग इंजेक्शन लगवाएंगे, तो विल गेट यू सी कि क्या इसका रिएक्शन होता है। वैसे तो इसको कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, इसको पिंच होता है बस, तो इसलिए तो मतलब मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप पालो जर्मन शेफर्ड पालो, और मेरी वीडियोस देख के तो एटलीस्ट आपको इतना पता चल गया होगा कि मैं कितना प्यार करती हूँ साशा से। तो यस, अभी कार डिलीवरी वाला ब्लॉग आएगा, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें, कुछ ग्लिचेस हैं, कुछ बग्स हैं, मैं उनको फिक्स करूँगी एंड देन मैं उसे अपलोड जरूर करूँगी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, वो धनतेरस का ब्लॉग है जो अब आएगा लेट, तो प्लीज़ उसको तो आप फॉरगेट कर देना। एंड और अभी मुझे आप बताओ कि आपको कैसे कैसे ब्लॉग्स देखना पसंद है, मतलब कि ऑब्वियसली सब की अपनी भी प्रेफरेंस होती है कि उनको ये ब्लॉग देखना है, तो आपको क्या देखना है मोस्टली? देखो शाशा के बारे में तो ये रहेगा ही चैनल, लेकिन अगर आपको फैमिली ब्लॉगिंग भी और देखनी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये फैमिली ब्लॉगिंग देखनी है, फैमिली ब्लॉगिंग और आपको क्या क्या देखना है, शाशा के बारे में आपको क्या क्या देखना है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ज़रूर, ताकि मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल जाए कि यस मेरे व्यूअर्स ये चाहते हैं देखना। एंड यस, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी आज के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू गाइज, बाय बाय।